ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ? इस बॉर्डर से तो लगभग हम 17 दिन के करीब हो गए। इससे पहले भी लगातार 6 महीने से हम इन कानूनों को रद्द कराने के लिए लगातार कोर्ट में या अखबार के माध्यम से हम लगे हुए हैं, और यहाँ पर आज 17वां दिन हो गया हमारा। और हमें ये नहीं लग रहा कि हम 17 दिन हो गए, हमें ये लग रहा कि हम कल ही आए हैं। हमारा ये जो आंदोलन है ये कम होने की बजाय, सरकार तो ये चाहती है कि आंदोलन कम हो, 17 दिन हो गए, लेकिन आज हमारी यह तादाद पहले दिन से लगातार 10 गुना बढ़ चुकी है। आप देख चुके हैं ये कुंडली बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, और उधर जो यूपी के बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, चारों तरफ से दिल्ली आज अगर आप ड्रोन से या हेलीकॉप्टर द्वारा नक्शा देखें दिल्ली का, तो चारों तरफ किसान बैठे हैं। तो दिल्ली बीच में आ चुकी है। ये तो वैसे अहंकारी लोग हैं, प्रधानमंत्री भी, और प्रधानमंत्री को तो मैं कहना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको तो अकल है ही नहीं है। देश का भट्ठा बिठा दिया, किसान उसके दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए है। वो प्रधानमंत्री कहते सीगे मैं जब सत्ता चाहवांगा मैं किसानों की आमदन दुगनी करांगा। हरियाणा से भाजपा की सरकार है, सब तो पहला तो हरियाणा से आमदन दुगनी होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये लोग झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। इन्होंने शुरू से ही, चाहे कोई भी सरकार रही है इनकी, तो इन्हें शुरू से ही किसानों के ऊपर राजनीति की है। हमारे हरियाणा की बात लगा लेते हैं, हरियाणा में जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, इससे पहले सुभाष बराला था, और जो ये पीयूष गोयल वगैरह, इन्होंने कपड़े उतार के, आपने शायद देखे भी होंगे अखबारों में, कपड़े उतार करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया कि स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग को तो ये लाइन रहे भूल गए। और प्रधानमंत्री की रही बात, प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तो झूठ का पुतला है। एक बार झूठ बोले, दो बार बोले, 10 बार बोले, 100 बार बोले, और 100 बार झूठ बोलने के लिए जो 100 बार झूठ बोल रहा है इसलिए दूसरे आदमी को ये लगता है कि ये सच्चाई बोल रहा है, जबकि सच्चाई नहीं होती। चिल्लाने और बार बार झूठ बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती। अगर किसान की आय दुगनी होती तो क्या वो यहाँ के बैठता? आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा हरियाणा और पंजाब है, हमने पता है हमारे जीरी की खेती होती है ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब में। हमने ये पता है कि कैसे जीरी बेच के आए हैं। 10-10 दिन लगातार हमने जीरी अपनी जो धान की फसल है वो सुखा करके उसमें से कम भी मैडम 80 मण निकलती थी, जो 100 मण निकलती थी वो 60 मण का पैमाना आ गया। और इन्हों क्या कर रखा पोर्टल, 30 क्विंटल के ऊपर ले ही नहीं रहे किसान की जीरी। इसका मतलब क्या है? ये जांच रहे हैं, ये एक दायरा बना रहे हैं कि कितनी फसल हमारी मंडियों में आती है और इससे कितना मुनाफा होता है, तभी ये अंबानी और अडानी के गोदाम बन गए। अब 6 महीने से लागू है ये, तो वो एक साल पहले अंबानी और अडानी के कदम तैयार हो गए। इसका क्या मतलब है कि सरकार हमारी प्रधानमंत्री और बीजेपी नहीं चला रही, अंबानी और अडानी लोग चला रहे हैं। इनका तो, इनकी तो मनोपली ही नहीं समझ आ रही, पता नहीं ये क्या चाहते हैं। पहले इन्होंने जियो का सिम फ्री करवा दिया, फिर जियो के ऊपर इन्होंने पैसे लगवा दिए। आज वही जियो का सिम है, आप देख लो कम से कम भी 30 लाख लोगों ने परसों पोर्टल वो पोर्ट किया है। तो कहने का मतलब मैडम ये है हमारा कि ये किसान विरोधी हैं, कृषि विरोधी हैं, और किसान, कृषि, व्यापारी, मजदूर, वकील, जज सभी आज किसानों के पक्ष में आगे खड़े हैं। उन्हें क्या पड़ी थी कि ये आके यहाँ बैठे? ये आज एक किसान आंदोलन ना हो करके जन आंदोलन हो गया, विदेशों से भी किसानों के ऊपर सपोर्ट मिल रही है। और एक मुद्दा मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, वो मुद्दा का चले नहीं, अब भी फैला रहे हैं वो बीच बीच में। इन्होंने क्या किया हरियाणा और पंजाब की एकता को भंग करने? अच्छा, पंजाब के जो किसान है वो तो खालिस्तानी है, आप हरियाणा के किसान हो, आपकी सरकार भाजपा की है, तो आप क्या हो? नहीं, उनके उनकी नजरों में तो हम भी भगोड़े हैं, वो तो हमें भी खालिस्तानी बोल देंगे। उन्होंने तो हमें भी उपद्रवी बोल दिया था कि ये तो उपद्रवी है, कुछ बहका में आ गए और वो लग गए, जबकि ऐसा कहाँ है। हमारे पंजाब के साथ, मैं आपको खुद की बता देना चाहता हूँ, जो हमारा हलका है पंजाब से सटा हुआ है, बिल्कुल मेरे चाचे ताए जो पंजाब में शादी ब्याह रखे हैं, वो मेरी खुद की अपनी बुआ, अपनी सिस्टर, वो पंजाब में शादी मैरिड हैं। तो अगर वो खालिस्तानी हो गए तो हरियाणा कहाँ पीछे रहेगा? इनकी जो ये खालिस्तान वाली मांग है ना, इन्होंने आज आने वाले 50 सालों के लिए अपने लिए बीज बोलिए कि जो ये खालिस्तान वाला, हम, मेरी उम्र 32 साल की होगी, मैंने तो खालिस्तान का नारा सुना भी नहीं था, वैसे किताबों में या किसी और में भी, लेकिन लोगों को कहते सुने थे कि कई बार आतंकवादी थे, ये था वो पता नहीं क्या था, लेकिन आज तो सरेआम कर दिया इन्होंने। अब आगे एक मुद्दा और उठेगा, एक मुद्दा और आगे आने वाला है कि खालिस्तानी वाला, तो ये खुद उठा रहे हैं। इनने तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर राजनीति की है और वो कर ही रहे हैं लगातार।
इनका तो धर्म जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति करके लोगों में फूट डलवाने का काम है, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।